रिएक्ट वाली हूँ ऑन द वीडियो किल चोरी फीट श्रद्धा कपूर एंड भुवन बम कर रहे हो भुवन बम सर्व बाय सचिन जिगर बाय फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल मजा आने वाला है देखने में. सो बिफोर आई स्टार्ट हेलो एवरीवन आई एम मिताली नायक वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. यार इन्होंने हमें कैसे हरा दिया. कोई बात नहीं यार, ये फ्री फायर वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे. हाँ पर चल सैड मत होना, दिवाली पार्टी पे भी जाना है. ओके लेट्स गेट रेडी. और सुन आई गॉट यू. ओके यार सैड मत हो तू. अब तुझे पता है ना आई लाइक हर, उसके सामने हार गई. हाँ बट शी लाइक्स यू टू. आज दिवाली है, इसको तू अपना लकी डे बना ले. चल अपना हीरो मोड ऑन कर और दिवाली पार्टी में जाते हैं. तू धोखा जानका. हाय हैंडसम लग रहे हैं फूल का. धोखा पर रोका ना गया. तू धोखा जानका. हाय मैंने दिल को रोका पर रोका ना गया. हो आते तेरे शुरू बखेड़े देख के ही स्नाइप कर दिया. 24/7 वाली धड़कनों में चले दिवाली. फ्लैंक करके वाइप कर दिया. रकिल कर छोरी बुलेट धारी गोरी. धनों से मारे धाए 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 धाए. रकिल कर छोरी रकिल करे छोरी बुलेट धारी गोरी. ननो से मारे धाए 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 धाए. रकिल करे छोरी बुलेट धारी गोरी. ननो से मारे धाए 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 धाए. रकिल करे खेलेंगे तो हमेशा बुआ मिलेगा. ओहो हो 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 फ्री फायर दिवाली सही है. ओके सबसे पहले मैं फ्री फायर वगैरह कभी खेलते नहीं बट किल करके स्वाइप कर दिया बुआ वगैरह ये सारे तो वो गेम के ही टर्म्स रहेंगे राइट. जिस तरीके से एंड में श्रद्धा कपूर ने कहा ना साथ में खेलेंगे तो हमेशा बुआ ही मिलेगा. ओके तो मैं पहले बात करना चाहती हूँ भुवन बम के लुक्स के बारे में. स्टार्टिंग में भी वो अच्छे ही लग रहे थे, फिर वो ट्रेडिशनली जब पूरा रेडी होके आए थे एकदम मस्त लग रहे थे वो. वाओ किलर. और श्रद्धा कपूर की क्यूटनेस तो मतलब है ही, मतलब क्यूट तो है ही वो, एकदम प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी अच्छी लग रही थी. तो दोनों तो कितने अच्छे लग रहे थे ना साथ में. ओह माय गॉड. आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि पहले ना क्या होता था भुवन बम के वीडियोस बहुत दिनों तक कुछ आए ही नहीं थे एंड अभी हम उनको भुवन बम इतने बार देखने को मिल रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है. एवरी थर्सडे तो मिल ही रहा है, आज संडे को मैंने इस पे भी रिएक्ट कर दिया भुवन बम के सॉन्ग पे.
तो और गाना भी कितना अच्छा है, धाय 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 धाय। और क्लोजअप्स में भुवन बाम जैसे दिख रहे थे, श्रद्धा कपूर जैसे लग रही थी, दोनों इकट्ठा वगैरह मजा आ गया। मतलब उन्होंने एकदम लाइट पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का एकदम लाइट में वो पहना था, राइट, ट्रेडिशनल का, मस्त लग रहा था यार उनपे। ओ माय गॉड, मतलब पहले वैसे फ्लाइंग मारे श्रद्धा कपूर पे कि तुमको तो पता है ना मुझे ये पसंद है, उसके सामने हारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था उनके उसके सामने हारना। तो दिवाली पे इम्प्रेस कौन नहीं होगा। मतलब सबसे पहले मुझे उनके बाल बहुत पसंद आते, जिस तरीके के बाल उनके से लहराते वगैरह है ना, वो अच्छा लगता है। और लुक्स भी बहुत मस्त लग रहे थे इसमें, वो एकदम जॉलाइन एंड ऑल ने क्या मुझे तो पसंद आ गया। ओके, टर्म्स के बारे में बात करता चलती हूँ। तो वाइप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो थोड़ा बहुत वो समझ में तो नहीं आया क्योंकि मैं खेलती नहीं हूँ कभी, बट कभी कोशिश जरूर करूंगी एटलीस्ट, क्योंकि टर्म्स मुझे समझ में आए इसलिए कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो ताकि कभी भी कोई भी ऐसा वाला वीडियो पे जब मैं रिएक्ट करूँ तो मुझे एटलीस्ट वो समझ में आए कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है उस चीज के लिए। एंड थैंक यू एसके पांडा फॉर सजेस्टिंग मी टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो। तो आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ लेते।